हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आपके साथ में अमूल की रेसिपी शो में लेके आई हूँ अपनी दही के कबाब की रेसिपी। मैं शेफाली मालपानी जयपुर से अमूल सिंपल होममेड रेसिपीज की सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हमें बहुत थोड़े से सामग्री के साथ में हम बनाएंगे दही के कबाब, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है अमूल दही, अमूल मस्ती दही, बिल्कुल से बारीक कटे हुए प्याज, मैदा, नमक, ऑयल, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च। और इसके लिए मैंने सबसे पहले होमकुक तैयार कर रखा है, ये देखिए इस तरह से। ये मैंने मुझे आज भी जैसे 4 बजे बनाना था, तो मैंने इसको सुबह पहले उठते पहले इसको दही को, ये मेरा 1.5 किलो दही था, हंकर तैयार किया है। देखिए मैं आपको आपके सामने भी करके बताती हूँ किस तरह से करना होता है। हमें इसे एक मलमल का कपड़ा लेंगे, अमूल मस्ती दही लेंगे, देखिए कितना अच्छा दही है। फिर हम इसको मलमल के कपड़े में डाल देंगे, दूसरा भी इसी तरह से लेंगे। ये स्पून की हेल्प से हम इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। अमूल मस्ती दही से दही के कबाब इतने मस्त बनते हैं, ये देखिए। फिर हम इसे, ये मैंने नीचे एक सेव ले रखी है और एक नीचे बर्तन ले रखा है जिसमें हमारा दही का पानी निकल जाएगा। इसको हम इस तरह से टाइट रोल करके पहले ऐसे ही रखेंगे, इसमें हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, केवल इसको ऐसे रखेंगे। 1-1.5 घंटे के बाद में जब पानी निकल जाएगा तो हम इस पे वेट रख के इसको इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको हम अलग रख देते हैं। ये हमने अमूल दही लिया, ये मैंने एक मीडियम साइज का प्याज काट के रखा है, बिल्कुल बारीक काट के रखा हुआ है, ये मैंने डाला। एक हरी मिर्ची ली है, वो डाल रही हूँ बारीक कटी हुई, थोड़ा सा धनिया, और अब हम डालेंगे इसमें नमक, थोड़ा सा डालेंगे पहले। मीनवाइल हम अपने पैन को भी गर्म कर लेते हैं ऑयल डाल के, जिसमें हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए, आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसका। और अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच से 1.5 चम्मच मैदा डाल रहे हैं, फिर हम देखेंगे अगर इसमें और जरूरत होगी तो हम और डाल लेंगे। देखिए अमूल दही से इसका टेक्सचर देखिए आप, बिल्कुल से ऐसा लग रहा है हम पनीर को कंबल कर रहे हैं। ये देखिए अमूल दही है, ये अमूल दही के साथ में दही के कबाब मुंह में जाते ही बिल्कुल पनीर की तरह, मलाई की तरह घुल जाते हैं, इसमें क्रंच का एहसास हो इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च और धनिया डाल रहे हैं। अच्छे तरह से मिक्स करेंगे हम, आप चाहो तो इसको हाथ से भी कर सकते हो,
अगर आपका दही थोड़ा खट्टा होता है तो इसका टेस्ट और अच्छा बैठता है। अभी गर्मी चल रही है तो फिर इसको मेरे को ज्यादा खट्टे दही की जरूरत नहीं पड़ी। दिन भर में जब तक ये हंकड़ बना उतने देर में ये थोड़ा बहुत खट्टा भी हो गया। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। थोड़ा सा टेस्ट करके देख रही हूँ कि नमक प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ है। अब आप चाहो तो इसके क्विनल्स भी बना सकते हो। मैं तो अभी कबाब की शेप भी दे रही हूँ। ये मैंने मिक्स कर लिया था अच्छी तरह से। प्याज धनिया सब चीजें हाथ में, थोड़ा सा ऑयल लेंगे स्पून से, थोड़ा सा मिक्सर लेंगे, दूसरे हाथ में भी हम ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से हम कबाब की शेप देंगे। ये देखिए अलग रखते हैं, वापस से वही प्रोसेस करेंगे। हंकड़ बनाने के लिए आपको 8 से 10 घंटे तो बहुत जरूरी है। ये देखिए आप चाहो तो इसके ऊपर एक एक काजू भी लगा सकते हो, वो दिखने में और अच्छे लगने लग जाएंगे। आधा काजू को स्प्लिट करके लगा सकते हैं। एक बार अगर आपका हंकड़ तैयार हो जाता है तो ये बहुत फटाफट बनने वाला स्नैक है। हमारा ऑयल भी गर्म हो जाना चाहिए, देखते हैं अभी हुआ नहीं है, जब तक हम और बना लेते हैं। बहुत इजी रेसिपी है। ये हमारा तेल गर्म हो गया है। आप चाहो तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। थोड़ा सा सीख जाए फिर हम इसको पल देंगे, थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाए ऊपर।
कलर आने लग गया है हमारा, ये देखिए हम इसको कलर देंगे। बहुत इजी बनने वाला स्नैक है, हेल्दी भी है, अमूल दही है इसका मेन हीरो। आप चाहो तो इसको विदाउट अनियन के भी बना सकते हो। देखिए हमारे दूसरे तरफ से भी अभी ब्राउन नहीं हुआ था। ये हमारे दोनों तरफ से ब्राउन हो गए हैं, हम उनको रिमूव कर देते हैं ऑयल में से। इस तरह से पेपर नैपकिन पे हम निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। गैस बंद कर दिए। सर्विंग के लिए मैंने यहाँ पे प्याज का सैलेड लिए हैं, थोड़ी सी वाइट प्लेट पर रेड मिर्ची डाली है और इसको हम सर्व कर रहे हैं। तो तैयार है हमारे दही के कबाब, अमूल दही से अमूल दही के कबाब। थैंक यू, एंजॉय।